हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको प्रेशर स्विच के बारे में बताएंगे कि प्रेशर स्विच किस तरह काम किया जाता है, किस लिए काम किया जाता है और इसकी वायरिंग कनेक्शन सिखाएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास ये डाइनफोर्स का प्रेशर स्विच है। हमारे पास हमने ये फायर लाइन के लिए लगाया गया है। इसका हम आपको कनेक्शन सिखा देते हैं। सबसे पहले ये खोलने के बाद इस तरह दिखा जाता है। सबसे पहले ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारी रेंज सेट करता है, ये हमारा डिफरेंस सेट करता है। सबसे पहले ये रेंज स्टार्ट करता है कि आप लाइन में कितना बार प्रेशर रखना चाहते हो, एयर का हो या पानी का हो, किसी का भी हो। ये पानी का प्रेशर स्विच में लगाया हुआ है हमने कि 5 kg जब हमारा प्रेशर आ जाए तो हमारी मोटर ऑटोमेटिक अपनी बंद हो जाए। ये ऑटोमेटिक के लिए होता है कि आप कहीं भी लाइन में आपका एक एयर का हो या लाइन में हो कि आपको 5 kg प्रेशर चाहिए, 5 kg से प्रेशर ज़्यादा ना आए, मोटर हमारी बार बार चलती ना रहे, इसलिए हम प्रेशर स्विच लगाते हैं। अब हमारी लाइन में जैसे ही 5 kg प्रेशर आ गया तो हमारी मोटर अपने आप बंद हो जानी चाहिए। 5 kg से हमारा जैसे ही मोटर नीचे जाए प्रेशर तो हमारी मोटर ऑन हो जानी चाहिए। इस तरह इसकी वायरिंग की जाती है। आपको इसकी वायरिंग के बारे में मैं सिखा देता हूँ। आप अपना प्रेशर आपको जितना भी लाइन में सेट करना है वो रेंज है, यहाँ आप उसके बाहर प्रेशर पास्कल के हिसाब से कर लेना। आप ये वाला हमारा डिफरेंस है कि भाई 1 या 2 के डिफरेंस के हिसाब से हमारी मोटर चलनी चाहिए, कितने डिफरेंस के हिसाब से चलनी चाहिए हमारी मोटर। और सबसे पहले अब हम इसकी वायरिंग के बारे में बता देते हैं। ये आपका 1 नंबर है, ये आपको दिख रहा है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, ये 4 नंबर है। 1 नंबर आपका कॉमन है, आप इसमें सबसे पहले फेज दे दें। ये NC है, 2 नंबर हमारा NC है, 3 नंबर हमारा NO है। तो हमने NC से वायरिंग की है। 1 नंबर हमारा फेस है हमारा, जब पाँच हमने 5 सेट किया हुआ है इसमें, 5 हमारा, जैसे हमारा 5 kg प्रेशर आ जाए तो हमारी मोटर अपने आप बंद हो जानी चाहिए। तो हमने क्या किया है, NC हमने यूज़ किया है, NO नहीं किया हमने। जब हमारा 5 kg प्रेशर आ जाता है तो हमारा जो NC है वो NO बन जाता है, और जब तक हमारा 5 kg पूरा लाइन में प्रेशर नहीं रहता तो हमारा NC बना रहता है। NC में से हमारी सप्लाई निकलती है मोटर के लिए। जैसे ही 5 kg प्रेशर आ जाता है इसमें तो वो NC NO बन जाता है। तो हमारा NO से लिया हुआ है। आपका कोई और जुगाड़ हो, आपका कोई बात हो तो आप NO से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप NC से ले लेना। ये देखो हमने वायरिंग की है। सबसे पहले हमारा ये फेस आ रहा है, ये देखो इसमें हमारा फेस आ रहा है, इसमें आपको दिख नहीं रहा आपका, देखो ये फेस आ रहा है। सबसे पहले हमारा फेस आ रहा है हमारा, जैसे 5 kg देखो, अब इसमें 5 kg प्रेशर आ गया गेज में। हमारा 5 kg जब प्रेशर इसमें गेज में आ गया तो हमारा NC जो हमारा NC था वो हमारा NO बन गया। इस तरह वायरिंग की जाती है प्रेशर स्विच की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।